इससे के लिए मैंने कुछ रिसोर्सेज मैंने यूटिलाइज़ किया था। फॉर एग्जांपल मैं योजना जो है लास्ट के दो साल के योजना को मैं उसका जो पहला पेज है उसको मैं पढ़ा था। अंदर में भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट मिल गया तो उसको मैं निकाल लेता था। सो ऐसे में ये है कि हमारे पास टोटल 14 to 15 ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर्स, फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, एजुकेशन, कंट्री से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल न्यू इंडिया, इस टाइप के ब्रॉड टॉपिक्स पे आप जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे में। क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है और आपको दो ऐसे लिखने होते हैं, दो ऐसे लिखने पड़ते हैं ऑलमोस्ट 1000 words के हर एक ऐसे। सो आप पहले से जो हैं वो ऐसे के जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मेरे पास जो है 5-6 पेज करके इन सारे ब्रॉड टॉपिक्स पे नोट्स थे। एंड इसके लिए ये योजना को मैंने रेफ़र किया था, मैंने गूगल का काफ़ी सहारा लिया था। और इसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर टॉपर्स के कॉपी से नोट्स मैं बनाता था। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उसकी आपके कॉपीज़ आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे। सो वहाँ से आप सीख भी सकते हैं कि टॉपर्स ने कैसे लिखा। इसके साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स में जो पॉइंटर्स है वो चेंज नहीं होता, जो प्रॉब्लम्स है, जो सॉल्यूशन है वो सिमिलर सा ही रहता है। तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो करंट अफेयर्स में चीज़ें आ रही हैं उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो ऐसे का जो मेरा फ्रेमवर्क था वो भी मैं डिसाइड कर लेता कि ऐसे मैं कैसे लिखूँगा। सो शुरुआत में मैं कोशिश करता था कि मैं एक एनेक्डोट से, एक कहानी से शुरुआत करूँ एंड उस कहानी को मैं पहले एलोबरेट करूं एक एक पेज में, और फिर उसको मैं टॉपिक्स के साथ कनेक्ट करता था सेकंड पेज में कि वो टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है। एंड ये जो पूरा इंट्रोडक्शन वाला ये जो स्टेज है एसे में वो लगभग 2.5 से 3 पेज का होता था। फिर मेन बॉडी आता था जो कि मैं 5 से 6 पेज में लिखता था, जहाँ पे मैं ऐसे को डायमेंशनलाइज करता था। कोई भी टॉपिक है उसको मैं अलग अलग डायमेंशन में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर क्लाइमेट चेंज, ये सारे जो एरियाज़ है, इन्वायरमेंट, ये सारे एरिया में डायमेंशनलाइज करता था, ताकि ऐसे जो है वो ब्रॉड हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को मैं ब्रॉड करता था। फिर मैं अगले 3 पेज में कुछ क्वेश्चंस पूछता था कि कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स वाला एरिया, फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ है, तो क्वेश्चन पूछता था कि हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है। सो ये सारे चीज़ों को मैं 3 पेज में फिर लिखता था। फिर लास्ट के 2 पेज में मैं कंक्लूड करता था, और यहाँ पे भी कंक्लूजन में फिर मैं जो मेरा इंट्रोडक्शन होता था उसके साथ मैं लिंक करता था, ताकि एक एक स्टोरी जैसा बने, जो ऐसे जो भी एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको एक ऐसे पढ़ के एक अच्छा लगे और वो एक अच्छे से कनेक्ट कर पाए। और ऐसे में अगर आप कोट वगैरह यूज़ कर सकते हैं तो आप कोट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने कंक्लूजन में जो है वो पहले से कोट्स तैयार रखता था, और उसको मैं कोशिश करता था कि वो ऐसे में कंक्लूजन में मैं उसको यूज़